दोस्तों, ये वीडियो हम जो बना रहे हैं वो नए लोगों के लिए है जो इस काम को स्टार्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन उनके पास में बहुत सारी बाधाएं आती हैं। उनको ऐसा लगता है कि कहीं हम इस बिजनेस को करके फंस ना जाएं, ये मेरा कहीं उधार ना लग जाए, कहीं हम इस बिजनेस को करते हैं, मशीन लगाते हैं, मेरा माल नहीं बिकेगा, हम नहीं सेल कर पाएंगे तो फिर मेरा वो पैसा डूब जाएगा। या फिर उनको करने से पहले कुछ लोग उनका टाइम खींच लेते हैं, उनको बोलते ही नहीं मत करो, बर्बाद है, फंस जाओगे, ऐसे वैसे वगैरह वगैरह। तो ये वीडियो उनके लिए है, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखें, जब भी समझ में आएगा कि कैसे इस काम को आपको करना है और क्या क्या इसमें परेशानी होती है। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड करें आप तक पहुंच जाए। चलिए वीडियो। दोस्तों, जब भी कोई अच्छा काम करना चाहता है या फिर कोई कुछ भी करना चाहता हो तो उनको मना करने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन आगे बढ़ाने वाले कोई नहीं मिलते हैं। जिनको उसके बारे में नहीं भी पता होता है वो भी एडवाइस देते हैं कि भाई ये काम बहुत खराब है, इसमें फंस जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, कुछ नहीं है, ऐसे वैसा करके उसको मना कर देते हैं। लेकिन जो लोग भी इस बिजनेस को करना चाहते हैं उनको पहले अपने माइंड पे, अपने आप पे भरोसा होना चाहिए, अपने माइंड में एक आइडिया होना चाहिए कि अगर हम इस काम को करते हैं तो कैसे और किस तरह से करेंगे जिससे कि हम इस काम में सफल हो जाएंगे। क्योंकि कंपटीशन सब दिन है, कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। अगर यदि कोई ये सोच के अगर किसी भी काम को नहीं करता है तो वो कभी कोई काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि कंपटीशन करने में ही बिजनेस होता है। अगर आप कंपटीशन करना सीख गए तो आपको बिजनेस में कभी आपको लॉस नहीं होगा। और अगर यदि आप लोगों की बातों में रहेंगे कि अगला हमें ये बोला है, वो हमें ये बोला है, तो आप कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि कुछ लोगों के मन में ये चलता है कि हम काम करते हैं तो उधारी लग जाएगा, पैसा हमें घर से लगाना होगा, जब भी जाके हम काम कर पाएंगे। तो ये तो फैक्ट बात है, ये तो सच है कि आपको स्टार्टिंग में उधार देना ही पड़ेगा और आपको घर से पैसा लगाना पड़ेगा, क्योंकि बिना घर से पैसा लगाए आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप चाह के भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज आपको मानना है, लेकिन पैसा लगाने के बाद आपको ये भी मानना है कि हम कैसे उस पैसा को निकालेंगे। क्योंकि अगर यदि आप नौकरी करते हैं तो नौकरी करने वाला हमेशा नौकर ही रहता है, मालिक नहीं बन पाता है। मालिक बनने के लिए आपको थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा, थोड़ा सा परेशानी उठाना पड़ेगा। क्योंकि ये जो कोई सा ही बिजनेस हो अगर आप करते हैं तो स्टार्टिंग में आपको बहुत सारा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन लोग लो, जो लोग पहले ही उस मुसीबत से डर जाते हैं वो लोग नहीं कुछ कर पाते हैं। हम अपना आपको बात बताते हैं, शुरू से हमारे मन में रहा कि हम कुछ बिजनेस करेंगे। हम भी एक दिन नौकरी कर रहे थे, लेकिन शुरू से हमारे घर वाले खुद टांग खींचते रहे कि नहीं, बिजनेस करने के लिए हमारे पास 10 लाख रुपए होना चाहिए, 5 लाख रुपए होना चाहिए, जब जा करके हम बिजनेस कर पाएंगे, कोई भी कर पाएगा। लेकिन हमारा मन में था कि अगर यदि कोई भी किसी काम को सोचता है कि हमें करना है और दिल से सोचता है तो वो उस काम को कर लेता है। तो हम भी उसी तरह किए, हम भी इस काम को बहुत थोड़े से पैसे से स्टार्ट किए थे और आज हम बहुत ऊंचाई तक जा चुके हैं हमारे हिसाब से। औरों के लिए हो ना हो, हम अपने हिसाब से नजर से देखते हैं तो हम बहुत कुछ कर लिए हैं कि हम 25,000 रुपये लगाए थे इस बिजनेस में और एक मशीन था और आज मेरे पास 10 मशीन है और हम आराम से अच्छा पैसा हम इसमें कमा भी रहे हैं और अभी हम उसमें 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर चुके हैं। और ये 10 लाख रुपए हम किसी से ले के नहीं, उसी से कमा के उसी में लगाए हैं। तो अगर यदि कोई सोचता है, कोई चाहता है कि हम इस काम को करेंगे तो वो जरूर कर लेगा, लेकिन उनके पीछे बहुत लोग होते हैं जो कि उनको मना करते हैं। तो आपको उनका नहीं ध्यान देना, आपको अपने आप पे ध्यान देना है कि अगर यदि हम इस काम को करते हैं तो हम कितना सफल हो पाएंगे। क्योंकि जो लोग इसमें जी जान लगा के कोई भी काम करता हो वो जरूर सफल होता है। तो बहुत लोगों का कमेंट होता है मेरे पास, वो बताते हैं कि हमारे घर वाले ऐसे बोलते हैं, घर वाले वैसे बोलते हैं। तो घर वालों का मन में डर होता है कि पता नहीं वो इस काम को करता है तो सफल होगा या डूब जाएगा। तो ये आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग अपने घर वालों को विश्वास दिलाएं कि हम इस काम को करते हैं तो कर लेंगे। और अगर आप विश्वास दिलाते हैं तो आपको पूरा उस पर करना चाहिए, क्योंकि इस काम को वही कर सकता है जो दिन रात मेहनत इसमें करेगा। हमारी बात लिया जाए तो अभी भी हम लड़के हैं मेरे पास, लेकिन फिर भी हम रात को 3 बजे 4 बजे भोर में, सुबह जो होता है उस टाइम जाके हम मशीन चलाते हैं, लड़के हो या ना हो।
तो ऐसे मेहनत हम दिन रात मेहनत करके तब इस काम को हम बढ़ाए हैं, और कोई आगे पीछे नहीं था। तो अगर यदि आप इस तरह से काम करते हैं, मन लगाए काम करते हैं, किसी को अपना एक सपोर्टर बनाए काम करते हैं, तो इस काम को आप कर पाएंगे। और अगर यदि आप लोगों की बातों में रहेंगे कि हमें वो ऐसे बोल रहा है, वो वैसे बोल रहा है, तो कोई आपको अच्छा काम नहीं बताएगा। कोई ये नहीं कहेगा कि हाँ कर लो, हम तुम्हें हौसला देंगे, हम तुम्हारे साथ हैं, ऐसा कोई नहीं कहता है। लोग चाहते हैं कि तुम हमेशा किसी की अंडर में काम करो और खुद मालिक मत बनो। क्योंकि अगर यदि जो आपके अभी आप दो लोग अगर किसी के यहाँ नौकरी कर रहे हैं, उसमें से एक बंदा अगर मालिक बन गया तो दूसरे को जलन जरूर होता है कि यार ये मेरे साथ बंदा काम कर रहा था और आज ये मालिक हो गया। तो ऐसे करने के लिए पहले अपने आप में उसको विश्वास जताना होता है कि हम इस काम को कर लेंगे, जब जाके किया जाता है। और आप लोगों की बातों में रहेंगे कि हमें उसने ऐसे बोला, उसने वैसे बोला, तो आप उस काम को नहीं कर पाएंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी इस तरह के वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।